नमस्ते, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ हूं मैं सुनल दहिया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर हैं हम। शाम के 4 बज चुके हैं और सबसे पहले अब बड़ी अपडेट का रुख कर लेते हैं। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक के मामले में बड़े खुलासे हो रहे हैं। गिरफ्तार हुए मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई और केंद्राधीक्षक राजेश खंडेलवाल दोनों ही शातिर हैं। एसओजी की पूछताछ में दोनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार करते रहे। वहीं दोनों का संबंध जेईएन भर्ती पेपर लीक के आरोपी लाइब्रेरियन शिवरतन मोट से भी निकला है। जब एसओजी ने तीनों को एक साथ बैठाया, इसके बाद तीनों ने एक दूसरे को जानने की बात की। एसआई भर्ती परीक्षा 640 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड की जांच होगी और एसओजी अब तक आरपीए में ट्रेनिंग ले रहे 15 एसआई को गिरफ्तार कर चुकी है। वहीं परीक्षार्थियों को अपने अपने वाहनों से सेंटर लेकर गए हैं। 80 करोड़ का ये खेल बताया जा रहा है। किस किस तक पेपर और पैसा पहुंचा है, ये फिलहाल जांच का विषय है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। लगातार इस मामले में नए एंगल निकलकर सामने आ रहे हैं। अब जो भी आरोपी हैं वो एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये स्कैंडल हो सकता है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। पेपर लीक केस में एसओजी की तफ्तीश लगातार जारी है। 80 करोड़ का ये खेल बताया जा रहा है और ये पेपर कहाँ तक पहुँचे, किस किस तक पहुँचे, पैसा कहाँ से आया, किस किस तक पैसा पहुँचा है, ये तमाम जाँच के पहलू हैं। मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई, राजेश खंडेलवाल पर शिकंजा कसा जा रहा है और पेपर अलग अलग नकल गैंग को इस पूरे मामले में इन्वॉल्व बताया जा रहा है। और एसआई भर्ती परीक्षा 640 कैंडिडेट के एडमिट कार्ड की जांच अब की जा रही है। एसआई पेपर लीक केस जो कि एक अपने आप में फिलहाल जिस पर राजनीति भी लगातार तेज थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था, ये 80 करोड़ का खेल बताया जा रहा है। कहां कहां तक पेपर पहुंचे हैं, किस किस तक पैसा पहुंचा है, ये फिलहाल जांच का विषय है। और अब पेपर लीक के जो आरोपी हैं वो गिरफ्तारी के बाद एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है कि ये एक बड़ा पैसे का खेल हो सकता है। एसआई भर्ती परीक्षा 640 कैंडिडेट इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं और आरोपी गिरफ्तारी के बाद झूठ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। पेपर अलग अलग नकल गैंग को 20 से 50 लाख में बेचे गए हैं, इस तरह की खबर मिल रही है। लगातार ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है और अलग अलग खुलासे हो रहे हैं फिलहाल इस पूरे मामले में। अब तक ट्रेनिंग ले रहे 15 एसआई गिरफ्तार भी हो चुके हैं। 80 करोड़ का ये खेल बताया जा रहा है और फिलहाल जांच चल रही है कि आखिरकार ये पेपर कहां कहां तक पहुंचे हैं और ये पैसा कहां से आया है, पैसा किस किस को दिया गया है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, कहां से ये ताल्लुक रखते हैं, ये फिलहाल जांच का विषय है। लगातार इस पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जयपुर से मेरे सहयोगी मनु शर्मा और मोहम्मद रजा उल्लाह खान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनु जी, फिलहाल तो इस पर अपडेट चाहेंगे क्योंकि जिस तरह से आरोपी गिरफ्त में आए हैं, अब वो तीनों एक दूसरे को पहचानने से भी इनकार कर रहे हैं। फिलहाल जांच कहां तक पहुंची, इसका थोड़ा अपडेट दे दीजिए। मनु जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? रजाउल्ला खान, आपके पास किस तरह की अपडेट है इससे जुड़ी हुई? बिल्कुल, देखिए, राजधानी जयपुर के हसनपुरा इलाके में स्थित रविंद्र बाल भारती से जो सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 का पेपर है वो लीक हुआ था। जो प्रिंसिपल है राजेश खंडेलवाल, उसने इस पेपर को लीक किया था। बड़ी बात यह कि जो यूनिक बाबू है वो उसी जो स्कूल के अंदर जो स्ट्रॉन्ग रूम बनाया हुआ है वहां पर छुपकर बैठा हुआ था। उसने जगदीश बिश्नोई को ये पूरा पेपर दिया और पेपर तकरीबन 10 लाख रुपए के अंदर जो हसनपुरा में रविंद्र बाल भारती स्कूल है वहां से आउट हुआ था। बड़ी बात यह कि प्रत्येक अभ्यर्थी से तकरीबन 10-10 लाख रुपए लिए गए और पूरे मामले को करोड़ों के अंदर लीड किया गया। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से बिहार में एसओजी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए तकरीबन 15 सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया, कल ये कहा जा सकता है कि उन तमाम लोगों को एसओजी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया और तकरीबन 6 दिन का जो रिमांड है वो सौंपा गया। बड़ी बात यह कि जिस जगदीश बिश्नोई को जयपुर के जवाहर कला केंद्र के पास से एसओजी ने गिरफ्तार किया, उसे चौंकाने वाले खुलासे जो है एसओजी की अब तक पूछताछ में किए हैं। जगदीश बिश्नोई ने बताया कि किस तरह से वो और उसकी पूरी गैंग 2005 से लगातार पता नहीं अनगिनत भर्तियों की जो परीक्षा पेपर लीक है वो कर चुके हैं। पहले जो पेपर लीक हुआ करते थे वो प्रिंटिंग प्रेस से हुआ करते थे। जब प्रिंटिंग प्रेस में सरकार ने
सख्ती निकालना शुरू की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्कूल के स्ट्रॉन्ग रूम है वहां से पेपर लीक करने शुरू कर दिए गए। बड़ी बात यह कि पहले 2-3 लोगों की गैंग थे और उसके बाद तकरीबन अब तक 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो काली कमाई है उन तमाम काली कमाई को ये तमाम लोग कमा चुके हैं। जो पूरे मामले के अंदर मास्टर माइंड है यूनिक भांगू जिसका पंकज चौधरी नाम है वो भी कहीं ना कहीं ठीक है। इन नामों का भी हम आगे जिक्र करेंगे। रजाउल्ला खान आप जुड़े रहेगा हमारे साथ, मनु जी भी जुड़े हुए हैं। मनु जी आपके पास किस तरह की अपडेट्स हैं फिलहाल इस पूरे मामले से जुड़ी हुई? देखिए अलग अलग भर्तियों की जांच चल रही है जिसके अंदर आज जो ईडी की एक बड़ी कार्रवाई हुई उसके अंदर यह है कि जो सीनियर टीचर का जो पेपर लीक का मामला था जिसके अंदर सुरेश ढाका और उसके सहयोगी शामिल थे, उनकी जयपुर के अंदर प्रॉपर्टी थी, बगरू के अंदर एक फैक्ट्री है उनकी जिसको सीज कर दिया गया है और वहाँ पर भारत सरकार की प्रॉपर्टी के बोर्ड लगा दिए गए। वहीं वैशाली नगर के अंदर आलिशान फ्लैट्स मिले हैं वहाँ पर भी ईडी ने कार्रवाई करते हुए उनको अपने कब्जे में ले लिया। तो करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी जो इनकी थी सीनियर टीचर भर्ती के अंदर जो लोग पकड़े गए मुख्य आरोपी उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है ईडी ने। तो वहाँ से जानकारियाँ निकल रही है, बड़ी बड़ी जो भर्तियाँ थी जिसके अंदर सीएचओ की एक भर्ती थी जिसके अंदर जो भर्ती परीक्षा जो है उसको स्थगित कर दिया गया था, लेकिन उसके अंदर 85 सवाल ऐसे थे जो हूबहू जो व्हाट्सएप पे चल रहे थे इसकी शिकायत की गई, लेकिन उस समय जो एसआईटी गठित की गई थी उसे पूरी फाइल को दबा करके रखा। अब जो नई सरकार आई है उसके बाद में जो जांच चालू हुई है तो सीएचओ भर्ती की भी परीक्षा की जांच शुरू हो गई। तो लगातार लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा, सीएचओ भर्ती परीक्षा, सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा, सीनियर टीचर जो पेपर लीक हुआ था उसकी भर्ती की परीक्षा, करीबन 18 जो हैं पेपर लीक हुए थे उनकी लगातार जांच चल रही है। उसके अंदर मुख्य गिरोह जो पकड़ में आ रहे हैं वो जिसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि एक तो सब इंस्पेक्टर वाला मामला जिसमें अभी भी जो ट्रेनिंग ले रहे हैं इंस्पेक्टर उनमें से करीबन 2 दर्जन इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग ले रहे हैं वो अभी एसओजी की राडार पर हैं, उनके जाँच पड़ताल हो रही है, उनके डॉक्यूमेंट जाँचे जा रहे हैं, उन लोग कैसे भर्ती हुई जिन्होंने टॉप किया वो लड़के भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इस सारी गैंग से जुड़े हुए थे, उन्होंने पेपर लीक के अंदर वो लोग शामिल थे। जी मनु जी बेहद शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और मेरे सहयोगी रजाउल्ला खान जुड़े हुए हैं जयपुर से लाइव। रजाउल्ला खान जिस तरह से अभी मनु जी भी जिक्र कर रहे थे कई और लोगों पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, ऐसे कौन कौन से नाम इस लिस्ट में शामिल हैं जिन तक भी अब गाज गिर सकती है? बिल्कुल साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से भजनलाल सरकार ने राजस्थान में आते के साथ ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया जिसका सुपरविजन जिसका नेतृत्व एडीजी वीके सिंह करते हुए नजर आए। जब तबादला सूची निकली तो एसआईटी के साथ साथ उनको एसओजी की बड़ी कमान दी गई और तमाम दर्शकों को एक्सक्लूसिव जानकारी देना चाहेंगे। एसओजी ने पुलिस मुख्यालय और जयपुर कमिश्नरेट से एक बड़ी डिमांड की है कि हम आरोपी इतने ज्यादा तादाद के अंदर है कि एसओजी की टीम उन तमाम लोगों को पकड़ने के लिए कम पड़ रही है, इसलिए आरएसी बटालियन के साथ साथ हम लोगों को अतिरिक्त पुलिस बल भी दिया जाए ताकि तमाम आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। फिलहाल जिस तरीके से तकरीबन 600 से ज्यादा जो सब इंस्पेक्टर 2021 में भर्ती हुए थे उन तमाम लोगों को एसओजी ने रडार पर ले रखा है। बड़ी बात यह कि जिस तरीके से अभी हाल ही में एसओजी ने जो 15 सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनी थे इन तमाम लोगों को हिरासत में लिया और हिरासत में लेने के बाद गिरफ्तार किया गया। जब इनकी जांच की गई तो बड़ी बात यह कि 3 लोगों के जो हस्ताक्षर हैं वो कहीं ना कहीं मिसमैच हुए और मिसमैच होने के बाद ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी जो चिंता की लकीर है वो तमाम जो अभ्यर्थी है उन लोगों के सामने नजर आ गई, क्योंकि अब तमाम जो 600 से ज्यादा जिन लोगों का चयन हुआ था उन तमाम चयन होने वाले जो अभ्यर्थी है उन तमाम लोगों के एफएसएल की जांच करवाई जाएगी। एफएसएल की जांच के बाद ये देखा जाएगा कि डमी कैंडिडेट तो नहीं बिठाया गया था और डमी कैंडिडेट बिठाने के दौरान जिस तरीके से जो बात सामने आ रही थी काफी ज्यादा तादाद के अंदर जब से एडीजी वीके सिंह को जो जिम्मा मिला है एसओजी का भी और एसआईटी का भी, तो कहा जा सकता है कि बड़ी थपड़फोड़ कार्रवाई पूरे प्रदेश में देखने को मिल रही है, चाहे से सेकेंड ग्रेड परीक्षा पेपर लीक की बात की जाए या फिर एसआई भर्ती पेपर लीक की बात की जाए या फिर जो जेईन भर्ती परीक्षा पेपर लीक की बात की जाए, सीएचओ भर्ती पेपर लीक की परीक्षा की बात की जाए, तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव भी है और उससे पहले जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई एसओजी करती हुई नजर आ रही है तो कहा जा सकता है कि एक बड़ी लीड, क्योंकि जो मुख्य संरचना है वो तो अभी यूनिक भांगू वो तो अभी पूरे मामले के अंदर फरार चल रहा है, लेकिन उसके जो गुर्गे हैं जिन्होंने पूरा बाकायदा एक बड़ी गेंद बना रखी है और जब एसओजी ने उनसे पूछताछ की तो बड़ी बात सामने आई कि देश के प्रधानमंत्री देश के राष्ट्रपति के साथ साथ उनको राजस्थान शिक्षा मंत्री का नाम तक नहीं पता। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जिस तरीके से सफलता मिली, क्योंकि कल कोर्ट के अंदर हमने देखने को मिला कि 10 दिन का रिमांड जो है एसओजी की तरफ से तमाम आरोपियों को लेकर मांगा गया था, लेकिन 10 दिन का रिमांड नहीं देते हुए एसओजी ने 6 दिन का रिमांड दिया है। कहा जा सकता है कि एक
बड़ी अब ये क्या कहते हैं सच्ची से जो है पूछताछ करेगी और जो बाकायदा जो सब इंस्पेक्टर फर्जी तौर पर यहाँ पर पेपर के पैसे देकर यहाँ पर भर्ती हुए उनको भी कहीं ना कहीं देखने को मिला। लोगों का कल गुस्सा फूला टूटा जिस तरीके से वकीलों ने और आमजन ने उनकी पिटाई की और पिटाई करने के बाद उन लोगों के उन बेस्टरों के चेहरे पर कहीं ना कहीं कोई खुशी कहीं ना कहीं हंसते हुए चेहरा नजर आ रहे थे क्योंकि कहा जा सकता है कि लाखों अभ्यर्थियों का ये जो है पीड़ा का दर्द है। तो अभी फिलहाल 15 जो फर्जी सब इंस्पेक्टर जो ट्रेनिंग कर रहे थे उनको जयपुर से ब्यावर से भीमाल के साथ साथ अजमेर के किशनगढ़ से इन तमाम लोगों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा 6 दिन की रिमांड पर भी सौंपा गया है और कहा जा सकता है कि एक महिला अभ्यर्थी जिसने ये कहा था कि मेरी बच्ची 3 महीने की है उसको भी कहीं ना कहीं कोर्ट ने बिल्कुल भी राहत नहीं दी है। तो कहा जा सकता है कि अब ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेना स्थिति के लिए काफी जरूरी हो चुका है। जी क्या दूसरे राज्यों से भी रजाउल्ला खान इसका ताल्लुक देखने को मिल रहा है या फिर तमाम लोग बिल्कुल साफ तौर पर देखिए जिस तरीके से ये बड़ी बात सामने आई थी जैसे ही यूनिक बांबू जो अभी इस पूरे मामले के अंदर 17 फरवरी को ये कहा जा सकता है कि जब गिरफ्तार होने वाला था तो उससे पहले ही विदेश भाग गया। तकरीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो चीजें हैं जो नगर रकम है उसने 2005 से लेकर अब तक उसने जो है पूरे मामले के अंदर कमाई है और फिलहाल फरार चुका है। जैसे ही वो कोई पेपर राजस्थान के अंदर लीक करता था और उसके बाद हिमाचल हो गए जम्मू कश्मीर हो गए अलग अलग राज्यों में जाकर वहां पर रहा करता था तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं वह मिली भगत सामने आई होगी क्योंकि जिस तरीके से उसको रहने के लिए पनाह वहां पर मिली होगी। और उसके अलावा आज की बात की जाए तो आज ईडी ने राजस्थान के कई इलाकों में सीनियर भर्ती पेपर लीक परीक्षा को लेकर जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की है चाहे से जयपुर के वैशाली नगर इलाके की बात की जाए या फिर करनी विहार इलाके की बात की जाए बगरू इलाके की बात की जाए तमाम जगहों पर ईडी ने बड़े बड़े नोटिस चस्पा कर दी है। बाकायदा पहली बार राजस्थान में ऐसा देखने को मिला है जब दिल्ली की कोर्ट से कंफर्मेशन मिलने के बाद संपत्ति जब्त की कार्रवाई है वो तमाम कार्रवाई राजस्थान के अंदर देखने को मिल रही है। राजस्थान के अंदर शुरुआत हो चुकी है तो कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में बड़ा जो एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल वर्तमान समय में जो सबसे ज्यादा गूंजी जाने वाली भर्ती परीक्षा है वो सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा है क्योंकि पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा हुआ है जब जो पुलिस ट्रेनिंग जो थानेदार कहीं ना कहीं ट्रेनिंग करके अलग अलग थानों में जाने वाले थे उनसे पहले ही उन तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा जा सकता है कि एसओजी को कहीं ना कहीं बड़ी सफलता बिल्कुल रजाउल्ला खान अब देखना यही होगा कि अब कौन कौन लोग इस खेल में शामिल हैं कहां कहां तक ये पैसा पहुंचा है कहां कहां तक पेपर पहुंचे हैं ये बड़ी जांच का विषय है। मैं लौटूंगी आपके पास इससे पहले अपने दर्शकों को हम सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले पर वकीलों का क्या कुछ कहना है। लीक प्रकरण से रिलेटेड जो आज मुजरिमों को पेश किया था यहाँ पे हम लोगों ने अपना तर्क रखा कि कुछ लोगों को राजस्थान पुलिस अकेडमी से 4 तारीख को उठा लिया गया था 24 घंटे के अंदर क्यों पेश नहीं किया गया जिसको लेके जो एसओजी थे एसओजी के वकील साहब ने 10 दिन का रिमांड मांगा जिसको हमने कंटेस्ट किया और बोला कि 10 दिन के रिमांड की ज़रूरत नहीं है ये केस 2 साल पुराना है ऐसे कोई एविडेंस नहीं है जो मेन अक्यूज है वो अब तक कस्टडी में नहीं है जिसको लेके जज साहब ने 6 दिन का रिमांड दिया है और एक्सप्लेनेशन कॉल किया है एसओजी से कि आपने जब इनको 4 तारीख को कस्टडी में लिया था तो आपने इनको 24 आवर्स के अंदर पेश क्यों नहीं किया और 41A जो CRPC की कार्रवाई होती है जिसमें जो सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं जैसे इसमें है कि 7 साल से कम की सजा है 7 साल से कम की सजा में जिसमें सीरियस ऑफेंस नहीं होते हैं उसमें आपने 41A की कंप्लाइंस क्यों नहीं करी। केस जो क्रिमिनल लॉ है उसमें ऐसा होता है कि पहले केस होता है उसके बाद FIR होती है बट इस प्रकरण को देखा जाए तो इस प्रकरण से ये तथ्य सामने आ रहा है कि पहले FIR हुई है फिर केस बनाया जा रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है जबकि आप देखें 2021 का हुआ है 2021 के बाद 2024 में आप इनको अरेस्ट कर रहे हैं अगर आप वैसे भी देखें तो 3 साल में क्या एविडेंस मिल पाएगा बट वो अभी मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन है और मैटर अभी सब जुडिस रहेगा तो इस पर केस के मेरिट्स पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर टिप्पणी कर सकता हूं कि जिस तरीके से एसओजी ने कार्रवाई की है वो कार्रवाई क्वेश्चनेबल है और उसको हम मजिस्ट्रेट आपके हमने क्वेश्चन किया है जिसमें मजिस्ट्रेट आपने एक्सप्लेनेशन मांगा है लेट्स सी इनका एक्सप्लेनेशन क्या आता है अगर एक्सप्लेनेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो उसके आगे हम उचित कार्रवाई करें। पेश करेगी इनको आपने कंप्लाइंस नहीं करी लेकिन हमने 41 की कंप्लाइंस जो है इसमें करी है और गिरफ्तारी के कारणों का उल्लेख गिरफ्तारी के साथ दिया और पुलिस कस्टडी जो हमने जो डिमांड करी वो इसलिए करी इन्होंने एक एविडेंस एक्ट की सूचना दी मुलजिमानों ने कि हमने किस प्रकार से पेपर जो है प्राप्त किया किससे प्राप्त किया कैसे धनराशि प्राप्त करी कहाँ हम लोग मिले अन्य आरोपी गणों से चूँकि अन्य मुलजिमान जो है अन्य प्रकरण अभी जो है पुलिस कस्टडी में चल रहे हैं और अभी जो है प्रकरण अनुसंधान चल रहा है उसमें 6 दिन का पुलिस कस्टडी दिया अभी 12 तारीख को पेश करना है लेकिन जो ऐसा कोई एविडेंस नहीं है क्या नहीं ऐसा एविडेंस अगर नहीं होता तो गिरफ्तार थोड़ी ना करते पूरा एविडेंस हम है और प्रकरण जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं इलीगल टेंशन नहीं हुआ इंट्रोगेशन पूछताछ अनुसंधान के लिए जब इनका नाम आया प्रकरण में तो इनको पूछताछ के लिए लेके आए
जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है प्राइमा फेसिया पूरे एविडेंस उनके सामने आ गई तो इनको गिरफ्तार किया गया। और इस पूरे मामले पर रजाउल्लाह खान मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए। रजाउल्लाह खान, अभी हम वकीलों की प्रतिक्रियाएं सुन रहे थे, जो आरोपियों के वकील हैं उनका कहना है कि 2 साल पुराना केस है, एविडेंस भी नहीं है पूरे केस में और एसओजी के पास कोई इस तरह के प्रूफ्स नहीं है। अभी इसको लेकर किस तरह की जानकारी है आपके पास, क्योंकि केस 2 साल पुराना है, अचानक से ये लाइमलाइट में नहीं आया, अभी फिलहाल किस तरह के एविडेंसेज हैं और किन पर काम चल रहा है, इसको लेकर की अपडेट्स हैं रजाउल्लाह खान? बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर तमाम दर्शकों को बताना चाहेंगे, जिस तरीके से चाहे से बचाव पक्ष के वकील हो या फिर एसओजी के वकील हो, दोनों की तरफ से अपना अपना तर्क रखा गया। तो ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अभी 7 से 8 दिन पहले ही एक जगदीश बिश्नोई, जो इस पूरे मामले के अंदर दूसरा मास्टरमाइंड है, जिसको गुरु जी का जो किताब है वो इन पेपर लीक प्रकरणों की तरफ से दिया गया था, उसको जेईई भर्ती परीक्षा पेपर लीक के तौर पर पकड़ा गया था। पकड़ने के बाद जब उसे अहम बड़ी जानकारी मिली, तो जानकारी मिलने के बाद ये साफ तौर पर सामने आया कि किस तरीके से जो तमाम आरोपी हैं, जो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट इंस्पेक्टर है जिन्होंने पेपर लीक करने के बाद पेपर खरीदा और पेपर खरीदने के बाद जो तमाम जानकारी है, वो 13 लोग जो है आरपीए के अंदर ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि ट्रेनिंग के दौरान जब भी कोई पुलिस की कार्रवाई होती है, एसओजी की कार्रवाई होती है, तो वो तमाम जानकारी जो वहाँ के जो जिम्मेदार होते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उन तमाम अधिकारियों को देना होता है। तो एसओजी के अधिकारियों का कहना है कि हमारी तरफ से तमाम जानकारी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने दी थी, और देने के बाद तमाम आगे की कार्रवाई है वो फिलहाल अंजाम दी गई है। तो अब ये कहा जा सकता है कि जब तक पूरे मामले को लेकर जब तक एसओजी की 6 दिन बाद किस तरीके से तमाम आरोपों को पेश करती है, पेश करने के बाद किस तरीके की बात सामने आती है, तो फिलहाल जो 6 दिन का रिमांड है उस रिमांड के अंदर ही पूरे बात का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया।